बच्चों से इंग्लिश में बात करना कैसे सीखें, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्यों बच्चों से इंग्लिश में बात करना सीखना है। क्योंकि आपके बच्चे इस लैंग्वेज को ज़्यादा सीखेंगे अगर वो आपसे इंस्पायर होंगे, आपके थ्रू अगर वो इंग्लिश के ये वर्ड्स सीखेंगे, इंग्लिश सीखें। बिकॉज होम इज़ द फर्स्ट प्लेस टू लर्न फॉर किड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला सेंटेंस है, इसे करने में आपको कितना समय लगेगा। कई बार बच्चे किसी काम को करने में बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है, तो इसको आप पूछेंगे हाउ मच टाइम विल यू टेक टू डू इट। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू डू इट, ठीक है। नेक्स्ट है जल्दी ख़त्म करो, को आप बोलेंगे फिनिश इट क्विकली। फिनिश इट क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। अगला है जल्दी करो, अगर आप बोलना चाहते हैं इसे जल्दी करो तो आप बोलेंगे डू इट फास्ट। डू इट फास्ट। अगला सेंटेंस है तैयार हो जाओ, हम अभी जा रहे हैं। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, हमें जाना है या हम जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे गेट रेडी वी आर गोइंग नाउ। गेट रेडी वी आर गोइंग नाउ। और अगर आप बच्चे को बोलना चाहते हैं तैयार हो जाओ हम कहीं जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे गेट रेडी, जिसका मतलब होता है तैयार हो जाओ हम कहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग समवेयर। वी आर गोइंग समवेयर। गेट रेडी वी आर गोइंग समवेयर, ठीक है। और हमें बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम एक परिवार हैं, वी आर अ फैमिली। अब और नहीं, नाउ नॉट एनी मोर। नाउ नॉट एनी मोर, अब और नहीं, कोई बात नहीं। इसको आप दो तरीक़ों से बोल सकते हैं, इट्स ओके या फिर नो प्रॉब्लम। इट्स ओके या फिर नो प्रॉब्लम। उल्टा जवाब मत दो, बहुत बार बच्चे उल्टा जवाब देते हैं, तो आप बोलेंगे डोंट टॉक बैक या फिर डोंट आंसर बैक। तो आपको दोनों सेंटेंस में से जो भी कंफर्टेबल हो बोलने के लिए आप बोल सकते हैं। अगला है अच्छी तरह से व्यवहार करो, बिहेव वेल। बिहेव मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, तो बिहेव वेल, अच्छे से व्यवहार करो। अपने भाई से मत लड़ो या मत झगड़ो, डोंट फाइट विद योर ब्रदर। डोंट फाइट विद योर ब्रदर। फाइट मतलब झगड़ा या लड़ाई, और ब्रदर मतलब भाई, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप भूखे हैं। कई बार हम बच्चों को पूछते हैं ना क्या आपको भूख लगी है, इसको आप पूछेंगे आर यू हंग्री। आर यू हंग्री, ठीक है। अगला है अपना खाना ख़त्म करो, तो आप बोलेंगे फिनिश योर मील। कई बार बच्चे खाना छोड़ देते हैं ना, तो आप बोलेंगे फिनिश योर मील, ठीक है। अगला है सोने का समय हो गया है, अब खेलना बंद करो। इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, अब सोने का समय हो गया है, स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, स्टॉप प्लेइंग, ठीक है। सोने का समय हो गया है, अब खेलना बंद करो। अगला सेंटेंस है अपने खिलौनों का ध्यान रखो। कई बार बच्चे खिलौने यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो आप बोलेंगे टेक केयर ऑफ़ योर टॉयज़। टेक केयर ऑफ़ योर टॉयज़। अपने हर एक दांत को अच्छे से साफ करो, तो आप बोलेंगे क्लीन योर एवरी सिंगल टूथ। टूथ मतलब होता है एक दांत, नाइसली, ठीक है। क्लीन योर एवरी सिंगल टूथ नाइसली। बट अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं अपने दांतों को अच्छे से साफ करो, तो आप बोलेंगे क्लीन योर टीथ नाइसली। बस क्लीन योर टीथ नाइसली। अगर आप इस सेंटेंस को और एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप लास्ट वाला यानी पिछला वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है दरवाजे पर जूते उतारो, यानी कि जूते को अंदर मत लाओ, दरवाजे पर उतारो। तो आप बोलेंगे रिमूव योर शूज़ एट डोर स्टेप। रिमूव योर शूज़ एट डोर स्टेप। डोर स्टेप का मतलब होता है दरवाजे का जो हिस्सा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम डोर स्टेप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। कई बार हम बच्चे को पूछते हैं ना जब वो कुछ काम कर रहे होते हैं और नहीं हो रहा होता इनसे कि मैं मदद करूं, तो आप बोलेंगे डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, ठीक है। अगला सेंटेंस है इसे पकड़ो, होल्ड इट। अभी आप स्मॉल सेंटेंसेस देखेंगे कुछ, ठीक है। होल्ड इट, इसे पकड़ो, ऊपर आओ, कम आप, कम आप, ऊपर आना, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे जाओ, गो डाउन। गो डाउन, नीचे जाओ। अगला सेंटेंस है अपने पैर मत घसीटो, डोंट ड्रैग योर फीट। ड्रैग मतलब होता है घसीटना, ठीक है, डोंट ड्रैग योर फीट। नेक्स्ट सेंटेंसेस चाचा को या अंकल को गुड मॉर्निंग कहो। कई बार होता है ना बच्चों के साथ बाहर जाते हैं और कोई मिल जाता है तो हमें बोलना पड़ता है कि इनको गुड मॉर्निंग बोलो, अंकल को या आंटी को, तो आप बोलेंगे से गुड मॉर्निंग टू अंकल।
या से गुड मॉर्निंग टू आंटी, ठीक है। अगला, अपने नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट कट योर नेल्स गलत होगा, ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स। जल्दी करो, हरी अप, हरी मतलब जल्दी, कोई काम फटाफट करना, ठीक है, हरी अप, जल्दी करो। अगला सेंटेंस है, उठ जाओ या जाग जाओ, सोकर उठ जाओ, गेट अप, ठीक है, गेट अप। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जाकर नहा लो, इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, गो टेक अ बाथ, जिसका मतलब होता है नहाना, जाकर नहा लो, बाथ मतलब नहाना, या फिर गो टेक अ शार, शावर नहीं शार, जिसका मतलब ही होता है नहाना, ठीक है। अगला सेंटेंस है, आप क्या पूछ रहे हो, कई बार बच्चे पूछते हैं ना और हमको समझ नहीं आता क्या पूछा, तो हम दोबारा पूछते हैं कि आप क्या पूछ रहे हो, तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू आस्किंग, व्हाट आर यू आस्किंग, आप क्या पूछ रहे हो। नेक्स्ट, क्या चाहिए आपको, या फिर आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। अगला, पानी मत गिराओ, डोंट स्पिल द वाटर, स्पिल का मतलब होता है गिराना या बिखेरना, ठीक है। अगला सेंटेंस है, अगर आप इसी को बोलना चाहते हैं कि दूध मत गिराओ, तो आप बोलेंगे डोंट स्पिल द मिल्क, डोंट स्पिल द मिल्क, ठीक है। स्पिल वर्ड का यूज़ हम लिक्विड जैसी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, ठीक है। अगला, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज, मम्मा से झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मम्मा, ठीक है, डोंट लाई टू मम्मा, मम्मा से झूठ मत बोलो। और अगर आपको सिर्फ बोलना है झूठ मत बोलो, तो आप बोलेंगे डोंट लाई, एल आई ई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और वैसे तो इसका मतलब लेटना भी होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, आओ मैं तुम्हारे नाखून काट दूँ, कम लेट मी कट योर नेल्स, कम लेट मी कट योर नेल्स, ठीक है, आओ मैं तुम्हारे नाखून काट दूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अपने बालों को अच्छे से कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर नाइसली, कॉम्ब योर हेयर नाइसली, कॉम्ब में बी साइलेंट है, कॉम्ब योर हेयर नाइसली, नाइसली का मतलब अच्छे तरीके से। अगला, आओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर दूँ, अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे लेट मी कॉम योर हेयर, लेट मी कॉम योर हेयर, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, फर्श पर मत लेटो, या फिर फर्श पर ना लेटें, जो भी, तो आप बोलेंगे डोंट लाई ऑन फ्लोर, डोंट लाई ऑन फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुमने टी शर्ट उल्टी पहन ली, यू वोर द टी शर्ट इनसाइड आउट, इनसाइड आउट का मतलब कोई कपड़ा उल्टा पहन लेना, ठीक है, यू वोर द टी शर्ट इनसाइड आउट, तुमने टी शर्ट उल्टी पहन ली। नेक्स्ट सेंटेंस, बदतमीजी मत करो, डोंट मिस बिहेव, डोंट मिस बिहेव, मिस बिहेव मतलब बदतमीजी करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, हियर टू मी नहीं, वो रॉन्ग होगा। अगला, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ या फिर क्या कह रही हूँ, अगर आप इसको ऐसे बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ ध्यान दो, पे अटेंशन हेयर, पे अटेंशन हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे ही करते रहो, यानी कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करते रहो, कीप इट अप, कीप इट अप। नेक्स्ट सेंटेंस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस, मैंने कहा था ना, बहुत बार हम बच्चों को बोलते हैं, मैंने कहा था ना, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। अगला, इसे मत छो, डोंट टच इट, डोंट टच इट, टच मतलब होता है छूना, ठीक है। नेक्स्ट, इसे बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट इट, है ना, कोई चीज़ बच्चे बर्बाद करते हैं, बेकार करते हैं, तो आप बोलेंगे डोंट वेस्ट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट इट, इसे दोहराओ। अगला, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, बच्चे जल्दी हिम्मत हार जाते हैं ना कि नहीं हो रहा, तो आप बोले ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, बहुत अच्छा, वेरी वेल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोलने के लिए, वेरी वेल, ठीक है। अगला सेंटेंस, इसे लाओ, ब्रिंग दिस वन, कोई चीज़ आप मंगवा रहे हैं तो आप बोलेंगे ब्रिंग दिस वन, इसे लाओ, या फिर आप बोलना चाहते हैं वो लाओ, वो वाला लाओ, ये वाला नहीं, वो लाओ, तो आप बोलेंगे ब्रिंग दैट वन, वो वाला, ब्रिंग दैट वन। अगला, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। अगला, इसे पूरा करो, कंप्लीट इट, कंप्लीट इट, कंप्लीट मतलब कोई चीज़ पूरा करना।
अगला, मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी, ब्रदर नहीं, बॉदर, बॉदर मतलब परेशान करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा से पूछो, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ना जाके ये पापा से पूछो, तो आप बोलेंगे आस्क इट टू पापा, आस्क इट टू पापा। नेक्स्ट, पन्ने मत फाड़ो, यानी कॉपी के पेजेस मत फाड़ो, तो आप बोलेंगे डोंट टीयर द पेजेस, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, फाड़ देना, फाड़ कर अलग कर देना। अगला, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, केयरफुली मतलब कोई चीज़ ध्यान से करना। अपने आंसू पोंछ लो, वाइप योर टीयर्स, वाइप योर टीयर्स, ठीक है, टीयर्स मतलब आंसू के साथ रोना। अगला, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट, और अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझ पर मत चिल्लाओ, कई बार बच्चे हम पर चिल्ला देते हैं, तो आप बोलेंगे डोंट शाउट ऑन मी, डोंट शाउट ऑन मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। अगला सेंटेंस, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी तरफ से तुम्हें एक थप्पड़ पड़ेगा या एक तमाचा लगेगा, एक चांटा पड़ेगा, तो आप बोलेंगे इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ये करोगे, देन यू विल गेट अ स्लैप फ्रॉम मी, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़, तो इफ़ यू डू दिस देन यू विल गेट अ स्लैप फ्रॉम मी, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी तरफ से तुम्हें एक चांटा पड़ेगा या थप्पड़ पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ 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 शेयर इट विद अदर्स, बिकॉज इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू मेक वन सिंगल वीडियो, एंड आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। थैंक्स अगेन।